वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनेक सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हम मुख्तलिफ वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि शादी से पहले मेल और फीमेल दोनों को कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए। ये पांच इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि हर किसी को इंपॉर्टेंटली है कि उसको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट है वो बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट होता है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता होता। इसका करवाने का फ़ायदा क्या होता है? करवाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप चेक्ड है और आप दोनों का ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली अगर आप ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये बच्चे के अंदर एक ख़ास किस्म का जो हीमोलिटिक रिएक्शन है उसको स्टार्ट करवा सकता है। तो अगर आपका आपको ऑलरेडी आपका ब्लड ग्रुप पता होगा तो ये आप अपनी डॉक्टर को बताएंगे एंड शी विल टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए बाज़ का डिलीवरी के बाद और बाज़ का प्रेगनेंसी के दौरान ही 28 और 32 वीक्स के ऊपर एक इंजेक्शन लिया जाता है जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, ताकि ऐसा कोई हीमोलिटिक रिएक्शन बच्चे के अंदर ना हो। सबसे पहले तो आप अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर चेक करवा लें। सेकंड, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिनमें कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का टेस्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इन सारों की एंटीबॉडीज़ हम ब्लड के अंदर चेक करते हैं। दे आर सर्टन इम्पॉर्टेंट फ्यू टेस्ट दैट आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। तो अगर आपके अंदर यू हैड बीन इन अ फ्री लाइफ बिफोर मैरिज, तो कुछ टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप इनके कैरियर हो सकते हैं और आप इनको आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं विद द सेक्स। तो आपको अपना पता होना चाहिए, और अगर आप में ये पॉजिटिव है तो फिर आपका वायरल लोड ट्रीटमेंट से कम हो जाना चाहिए, ताकि आपके अपने पार्टनर को जो है वो ट्रांसफ़र ना करें। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ये एसटीडी के इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी हो उस वक्त सिर्फ आप विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करें, अदरवाइज कॉन्डम्स का यूज करें। अब ये कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस सी, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ट्राइकोमोनास, एचआईवी। ये वो टेस्ट हैं जो कि अगर आप में पॉजिटिव हैं और इनका लोड ज़्यादा है तो आप अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये वायरल लोड ज़्यादा है तो ये दवाइयों की मदद से मिनिमम लेवल पे लाया जा सकता है, जिसमें के ट्रांसफ़र होने के एटलीस्ट चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ट्रीटमेंट फेलियर हो और लेवल नीचे ना आए, तो फिर हम आपको बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम्स वगैरह का इस्तेमाल करने का कहते हैं, ताकि आपका जो पार्टनर है वो इस बीमारी से महफूज रह सके। क्योंकि आपकी भी बॉडी इसकी यूज टू हो चुकी है, लेकिन अगले बंदे को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो मे बी उसकी बॉडी उसके लिए यूज टू ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट जिनमें का मैंने आपको बताया है, बाज़ात ये एसटीडी स्क्रीन के तौर पे भी हो जाते हैं। पाकिस्तान में चूंकि जेंटो यूरिनरी क्लिनिक, गम्स क्लिनिक नहीं है, तो यहाँ पे आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से लिखवा के ये अपना टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपका हो जाना चाहिए वो थैलेसीमिया का टेस्ट है। पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया की रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपको अपेरेंटली आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी थैलेसीमिया की एक माइनर फॉर्म आपके अंदर हो सकती है। अगर आपके अंदर थैलेसीमिया की माइनर फॉर्म है तो आप एक तो खुद चेक कर लें, और दूसरा कभी भी थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट के साथ शादी मत करें। अगर दोनों मेल एंड फीमेल थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं तो उसके अंदर 25 से 30% चांस होता है थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होने का। और थैलेसीमिया मेजर का जो बच्चा होता है वो उसकी बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है। उसको महीने में एक या दो दफ़ा ब्लड लगता है, और ये बच्चा यूजुअली 10 से 12 साल की उम्र में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन के साथ इनकी डेथ हो जाती है। तो आप एज ए पेरेंट्स एक हेल्दी बच्चा लें, इससे अगर आप अपना एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से ये टेस्ट होता है थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेते हैं, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आप अपना पार्टनर सेलेक्ट कर सकें अपनी इस चीज़ के लिए कि वो आपके थैलेसीमिया माइनर उसको ना हो। लेकिन अगर आपका पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर नहीं होगा तो आपके बच्चों को थैलेसीमिया माइनर तो हो सकता है, दैट इज़ कंपेटेबल विथ लाइफ, मेजर के चांसेस खत्म हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है फर्टिलिटी टेस्ट। फर्टिलिटी टेस्ट मेल के लिए सिंपल एक सीमन एनालिसिस होता है, जिसमें कि सीमन के जो पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि हम उसका नंबर देख लेते हैं, एक्टिव काउंट देख लेते हैं और नॉर्मल काउंट देख लेते हैं। आपने अपनी फैमिली स्टार्ट करनी हो या ना करनी हो, लेकिन अपनी फर्टिलिटी टेस्टिंग ज़रूर करा ले। फीमेल के लिए ये एक 12वें दिन का स्कैन होता है, दैट इज़ डे 12 स्कैन, जिसके ऊपर
हम एग को देखते हैं कि वेदर इट इज मेच्योर और नॉट, और कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला तो नहीं है. तो ये फर्टिलिटी टेस्ट भी आप दोनों को लिए डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए करवा लेना जरूरी है. तीसरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जेनेटिक टेस्टिंग. जेनेटिक टेस्टिंग हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी फैमिली के अंदर मुख्तलिफ जेनेटिक डिजीजेस कैरी करते हैं उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटिस की एक टाइप ऐसी है जो कि ट्रांसफर होती है और जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, तो उसको टेस्ट करवा लेना जरूरी है. आप में से हर कोई अपनी जब शादी को मैच करता है, कपल को मैच करता है, तो आप हर चीज़ को मैच करते हैं. आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस मैच करते हैं, आप अपना सोशल स्टेटस मैच करते हैं, और आप सब कुछ देखते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए. लेकिन ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और मैं हर जनरेशन को ये रिकमेंड करती हूँ कि ये ज़रूर टेस्टिंग करवा लें. और अगर आपने इन केस नहीं करवाए हैं तो कम से कम शादी के बाद ज़रूर करवा लें, ताकि आपके अंदर आपको इनकी अपकमिंग प्रॉब्लम्स का एटलीस्ट अंदाज़ा हो सके. तो ये करवा लेने में कोई बुराई नहीं है. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.